Good morning and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. This is the day the Lord has made. ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है. Let's rejoice and be glad. उन्हें दे हम इसमें आनंदित हो जाएं. Let us open our hearts and open our ears and mind to listen to the voice of God through His Word. और उन्हें दे हम अपने मनों को अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलें उसकी वाणी और वचन से सुनें. Remember, this is the second installation of the meditation. From the Gospel according to St. John chapter 5 verses 2 to 9. आज के दिन याद रखिए हम उस दूसरे भाग में मनन की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी शुरुआत हमने करी थी यूहन्ना के रचित सुसमाचार पांचवा अध्याय दूसरे वचन से लेकर नवे वचन तक. Well, last Thursday we looked into the first part of it. और पिछले बृहस्पत को हमने देखा था इस बृहस्पत को हमने इसी हफ्ते में देखा था कि कैसे पहले भाग में हम बढ़े. The grace of God often comes from unexpected sources. और कैसे हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह कई बार ऐसे स्थानों से आता है जहां से हम कुछ आशा नहीं लगाते. Now remember we are talking about the surprises of grace. और याद रखिए हम बात कर रहे हैं अनुग्रह के भौचक्का कर देने वाले बात. So the second surprise is that the grace of God comes when we least expect it. और जो दूसरा चमत्कार या दूसरा जो भौचक्का कर देने वाली बात है ये वो है कि परमेश्वर का अनुग्रह कई बार ऐसे समय में आता है जब हम उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं रखते. Look at the story again. और आइए हम एक बार फिर से इस कहानी को देखें. In this story, help could come only when the water in the pool is tear up by an angel. और इस यूहन्ना की पांचवें अध्याय की कहानी में सहायता तो तभी सिर्फ आ सकती थी जब पानी हिलाया जाए. But on this day, लेकिन इस दिन, no sign of an angel. लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं था स्वर्गदूत का. No sound of any footsteps. और किसी भी प्रकार के पैरों का कोई चलने की आवाज नहीं. And this man thought, और इस मनुष्य ने सोचा, this day is no different. ये दिन भी कुछ अलग नहीं होगा. But today, I don't see any sign of any angel. क्योंकि आज के दिन भी मैं कोई नई चिन्ह नहीं देखता किसी स्वर्गदूत के आने का. And it is so dry. और ये इतना सूखा दिन है. And so quiet. और इतना शांत दिन है. Let me prepare for a day of rest. और होने दे मैं तैयारी करता हूँ इस दिन आराम करने के लिए. And wait in hope for another day. और आशा करूँगा एक और नए दिन की इंतजार में. But suddenly, लेकिन अचानक से Jesus came. यीशु आ गया. He came to him. और ये यीशु इस बीमार के पास आया. Changed his whole world around him. और उसके चारों ओर इर्द गिर्द मौजूद उसके पूरे संसार को यीशु ने हिला दिया. He changed his whole life and his future. और यीशु ने उसके पूरे जीवन और भविष्य को बदल डाला. A day began as any other day. और इस दिन की शुरुआत भी किसी दूसरे दिन की तरह ही हुई. Ended up as the most exciting, eventful day. और इसकी अंत हुआ एक बहुत ही रोमांचक रीति से. We changed his entire life forever. जिस बात ने पूरे संपूर्ण समय के लिए बचे हुए जीवन काल के लिए उसके पूरे जीवन को बदल डाला. That's how it can happen to you. और ऐसा ही भी आपके साथ भी हो सकता है. We have been struggling with some need, some problem. और अगर आप भी किसी आवश्यकता, किसी समस्या से जूझ रहे हैं. And your mind is set, this is the only way this problem can be solved. और आपका मन भी सिर्फ एक ही ओर लगा हुआ है कि इसी तरीके या इसी रीति से समस्या का समाधान हो सकता है. And therefore you live with the problem for years. और इसलिए आप सालों तक उस समस्या के संग जीते हैं. And then came to a place where one day follows another. और एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां पर एक दिन दूसरे दिन के बाद आता है. And then when you least expect it. और तब उसके बाद जब आप बहुत ही कम आशा लगाए होते हैं. God's grace breaks into your situation. तब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी परिस्थिति में आता है. And it changes everything for you. और ये आपके लिए हर एक बात को बदल डालता है. And it can be this day. और ये आज का दिन हो सकता है. Before this day is ended. जिससे पहले कि आज के दिन का अंत हो. And my friends. और मेरे मित्रों. God has so many ways. परमेश्वर के पास कई सारे तरीके हैं. Don't fix your mind on one thing.
आप अपने मनों को सिर्फ एक और ना लगाएं. This is the only way it can happen. सिर्फ इसी रीति से ऐसा हो सकता है. This is the only way it can happen. और इसी रीति से ऐसा हो सकता है. And if it doesn't happen today, it will never happen. और ये अगर आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा. You know, it is these kind of conclusions that we make ourselves that hinder the blessing to come to us. और ये इसी प्रकार के निष्कर्ष हैं जो रोक देते हैं उन आशीषों को हमारे निकट आने के लिए. God is a God of possibilities, and for that he doesn't need to be prepared. याद रखिए, परमेश्वर तो संभावनाओं का परमेश्वर है और उसके लिए उसे किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं. He can do anything, anytime, for anyone. In any way, he और परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर किसी भी समय किसी के लिए भी किसी भी स्थान पर और किसी भी रीति से वो किसी भी कार्य को कर सकता है. And very often, और कई बार it is the most unexpected way God meets your need. और कई बार ये तो बहुत ऐसे तरीके से परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है जिसकी आशा भी हम नहीं करते. A way that you couldn't even imagine. और ऐसा तरीका जिसके विषय में हम कभी सोच भी नहीं सकते. And God is a God of impossibility. और परमेश्वर असंभव बातों का परमेश्वर. So my friends, और इसलिए मेरे मित्रों, don't give up. आप कभी हार ना माने. Every day should be a day of expectation. हर एक दिन एक आशा का दिन होना चाहिए. It may come today. और ये आज के दिन हो सकता है. It may happen today. और आज हो सकता है. I don't know how. मुझे नहीं पता कैसे. I don't know what time. मुझे नहीं पता कितने बजे. But God is not bound by time and place. लेकिन परमेश्वर स्थान और समय से बंधा हुआ नहीं. He can do anything, anytime. In any way he wants. और इसलिए वो कभी भी किसी भी समय कभी भी किसी भी बात को कर सकता है. And the way may not be the way we expected. और वो तरीका हो सकता है हमारे अनुसार ना हो. And when it all happens. लेकिन जब ये सब होता है. We can only look back and see what happened. तब हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि क्या हुआ. We only can exclaim, "This is the Lord's doing." But it is marvelous in our eyes. और हम इस बात को कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का करना है और ये अद्भुत है हमारी आँखों में. Do you want to experience something marvelous? क्या आप ऐसे ही किसी अद्भुत बात का अनुभव करना चाहते हैं? That will be beyond your ability to explain. जो आपकी योग्यताओं और समझ के परे है समझाने के. Have that expectation. उस आशा को लगाएं. Don't limit God by time and methods. परमेश्वर को सीमित ना करें समय और तरीकों से. You remember the Burma Jesus feeding the crowd with more than 5,000 people. अगर आपको याद हो यीशु मसीह कैसे 5,000 को खिलाता है. The disciples were surprised. चेले तो भौचक्के रह गए. The multitude were surprised. और वो हजारों सैकड़ों की गिनती में लोग भी चौंक गए. Everybody was surprised. और हर एक जन भौचक्का. The way he did it. कैसे यीशु ने किया. Kind of unimaginable way. और ऐसे तरीके से जो हमारी सोच के परे. If you believe, अगर आप विश्वास करें, that our God is such a mighty God. कि हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है. He is not looking for a simple, ordinary way of doing it. तब वो कोई साधारण तरीकों को नहीं ढूंढ रहा करने के लिए इन बातों को. He can do anything. वो तो कुछ भी कर सकता. In any way. इस किसी भी तरीके से. For anyone. किसी के लिए भी. Who will believe that with God. All things are possible. जो ये विश्वास करे कि परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है. So let something happen to you today. तो होने दे आज के दिन आपके संग भी कुछ हो. If you believe, अगर आप विश्वास करेंगे, you will see the glory of God. तब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. All you have to do is believe. सिर्फ इतना ही करना है कि विश्वास करें. That with God, कि परमेश्वर के साथ, all things are possible. हर एक बात संभव है. And with God, परमेश्वर के साथ, nobody is undeserving. कोई भी ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो. You deserve. आप योग्य हैं. Not because you have done anything. इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ किया है. Because of his mercy. लेकिन उसकी दया के कारण. His mercy has to be manifested in your life. उसकी दया आपके जीवन में दिखनी चाहिए. His power has to be manifested in your life. उसका सामर्थ्य आपके जीवनों में दिखना चाहिए. That is the reason. और यही कारण. Not because of anything you have done. कोई और दूसरी बात नहीं जो आपने करी हो. We are unworthy people. हम तो अयोग्य लोग हैं. But why did I say we deserve it? और हमने क्यों ऐसा कहा कि हम इसके योग्य हैं? We deserve it for God's sake. हमें इसके योग्य हैं परमेश्वर के खातिर.
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Lord, I pray for all the listeners. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक सुनने वाले के. There may be some among the listeners who are battling with a problem. ताकि जो सुनने वालों में से हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं. They are crying out. वो तो पुकार रहे हैं. But Lord, लेकिन परमेश्वर, answer hasn't come yet. उत्तर अभी तक उनके पास नहीं आया. But this day can be the day. लेकिन ये दिन उनके लिए हो, ये उनका दिन हो सकता है. Because you can do anything for anyone in any way you choose. क्योंकि आप किसी के लिए भी किसी भी रीति से किसी भी क्षण कुछ भी कर सकते हैं. So help us not to limit you by what we think of you. और इसलिए होने दे हमारी सहायता कर कि हम तुझे सीमित ना बनाए हमारी सोच के द्वारा. But thank you. धन्यवाद. For touching people. लोगों को छूने के लिए. Someone who needs healing. कोई एक जिसे चंगाई की आवश्यकता. We pray in the name of Jesus. हम उनके लिए आपके नाम यीशु के नाम में. By the authority of Jesus. वो अधिकार जो यीशु ने हमें दिया. You were not expecting anything happen today. और आज के दिन आप भी आशा नहीं लगाए थे. But I believe. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ. That somebody who is listening. कि कोई एक ऐसा जन जो सुन रहा है. Been struggling with some sickness. हो सकता है किसी बीमारी से आप लंबे समय से लड़ रहे हैं. You went to many prayer meetings. और कई सारी प्रार्थना सभाओं में आप गए, कई सारे क्रूसेड्स में, लेकिन कुछ नहीं हुआ. And you don't expect anything to happen today. और आप किसी बात की आशा भी नहीं लगाते कि आज के दिन कुछ होगा. But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, God wants to surprise you. परमेश्वर आपको बहुत चक्का करना चाहता है. By changing your situation. आपकी परिस्थिति को बदलने के द्वारा. Receive it. इसे ग्रहण करें. Expect. और इसकी आशा लगाएं. With God, God is not limited by methods and by. परमेश्वर तरीकों के द्वारा सीमित नहीं. We can do it now. वो उसे अभी भी कर सकते. I pray that you receive that deliverance by faith, knowing that our God is a God of supernatural. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास के द्वारा आप उस छुटकारे को पाएं, ये विश्वास करते हुए कि हमारा परमेश्वर दैव्य परमेश्वर है, असंभव बातों का परमेश्वर. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. एक महान दिन है. Live the rest of the day excited about what God has done for you. और बचे हुए दिन को आप रोमांच के संग जिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा. And testify to this truth. और इस सत्य के प्रति गवाही दे. That God is able. कि परमेश्वर योग्य है. Amen.